नमस्कार, प्लैनेट आयुर्वेदा के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईटीपी के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन कंडीशन है हमारे ओपीडी में, या हम लोग डेली बेसिस पे आईटीपी के केसेस बहुत ही बड़ी मात्रा में देखते आ रहे हैं। तो आईटीपी है क्या एक्चुअल में? ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन है, और अगर हम सिंपल सी भाषा में बात करें तो इसमें क्या रहता है कि हमारी ही बॉडी की इम्यूनिटी जो है, हमारी बॉडी के प्लेटलेट सेल जो हैं उन पे अटैक करती है, उनको डिस्ट्रक्ट करती है। और इस केस में अगर हम आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग देखें तो कारण रहता है आमा एक्यूमुलेशन। आमा एक्यूमुलेशन है कि बॉडी में जो है वो एंडोटॉक्सिन्स की एक्यूमुलेशन होती है, तो उसके कारण क्या रहता है, ये रक्त और पित्त को दूषित करता है। तो इसको हम तीर्यक रक्त पित्त के साथ भी कोरिलेट करते हैं आयुर्वेदा में। इसमें जो है हमारा ब्लड जो है वो दूषित होके पित्त को भी दूषित करता है, और दोनों साथ में मिलके जो है वो नाक से, कान से, जितने भी हमारे मार्ग हैं, चाहे वो ऊपर वाले मार्ग हों या फिर नीचे के मार्ग हों, वहाँ से हमें रक्त दिखाई देता है। तो ये बेसिकली प्लेटलेट्स के लो होने की वजह से होता है। तो इसके लिए, आईटीपी के लिए जो होम रेमेडीज रहेंगी, उसमें आप ग्रीन जूस और रेड जूस अगर डेली बेसिस पे उनका सेवन करेंगे तो आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी आपके प्लेटलेट काउंट के अंदर। तो ग्रीन जूस को बनाने के लिए आप शीशम लीव्स, मिंट लीव्स, वीट ग्रास लीव्स, कोरिएंडर लीव्स और स्पिरुलिना भी यूज़ कर सकते हो आप इसके लिए, और साथ में तुलसी लीव्स भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको रेड जूस लेना है तो रेड जूस में आप आंवला हो गया, ग्रेप्स हो गए, अनार हो गया, बीटरूट हो गई, कैरेट हो गया, तो ये सबको मिला के आप रेड जूस बना सकते हैं। ग्रीन जूस को सुबह अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, और रेड जूस को आप शाम के टाइम पे एम्प्टी स्टमक लें। तो आप अगर इसको लगातार जैसे एक आध महीना लेके देखेंगे तो आप अपना काउंट करवाएंगे तो आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखेगी प्लेटलेट काउंट के अंदर। और अगर हम बात करें योग आसन की, तो इसमें आईटीपी में योग आसन भी काफ़ी इफेक्टिव हैं, जैसे कि अर्धकटी चक्रासन हो गया, अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही इफेक्टिव है इसके लिए, और परिवृत्त त्रिकोण आसन भी बहुत अच्छा है, और वृक्षासन। तो आइए हम अब बात करते हैं कि कैसे इन आसनों को किया जाए। तो सबसे पहले हम करेंगे अर्धकटी चक्रासन। इसके लिए आपको सीधे खड़े हो जाना है, पैरों में कुछ 2-3 इंच की दूरी बनाकर रखें। उसके बाद सांस लेते हुए आपको जो लेफ्ट हैंड है उसको ऊपर की ओर लेके जाना है। 180 डिग्री के लेवल पे लाके आपको अपनी हथेली को ऊपर की ओर टर्न करना है। उसके बाद आपको बाजू को और ऊपर की ओर लेके आके बाइसेप को कान के साथ टच करना है। ऐसे ही आपको राइट हैंड की तरफ टिल्ट होना है। इस पोजीशन को कुछ समय के लिए बनाकर रखें और सांस को रोक कर रखें। फिर कुछ टाइम के बाद, 4-5 सेकंड के लिए ऐसे होल्ड करने के बाद, आप दोबारा एक्सहेल करते हुए, सांस छोड़ते हुए अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। अब हम करेंगे वृक्षासन। इसे करने के लिए भी आपको सेम पोजीशन में पहले सीधे खड़े होना है, लगभग 2-4 इंच की दूरी बनाकर दोनों पाँव में। सांस लेते हुए आपको अपनी लेफ्ट लेग को ऊपर की ओर लेके आना है, और अपने फीट को जो है ओपोजिट साइड के थाई पे टच करना है। इसके बाद आपको दोनों हाथों को ऊपर की ओर लाते हुए नमस्कार पोजीशन में आना है। 4-5 सेकंड के लिए होल्ड करना है, और फिर आपको सेम वापस पोजीशन में आ जाना है, एक्सहेल करते हुए और सांस छोड़ते हुए। अब हम करेंगे परिवृत्त त्रिकोणासन। इसके लिए आपको अपने दोनों पाँव में लगभग
चार से पांच पाँव की दूरी बनाकर खड़े होना है। लेफ्ट साइड वाली लेग को थोड़ा ज़्यादा टिल्ट करना है और राइट हैंड वाली साइड जो लेग है आपकी उसको थोड़ा सा कम टिल्ट करके आपको खड़े होना है। सांस लेते हुए अपनी दोनों बाजुओं को ऊपर की ओर उठाएं और फिर अपनी जो राइट बाजू है, अपना राइट हैंड है, उससे आपको अपनी लेफ्ट फीट को टच करना है और लेफ्ट फीट को टच करते हुए अपनी लेफ्ट बाजू को ऊपर की ओर लेके आना है। इस पोजीशन में अपने आप को चार से पांच मिनट के लिए होल्ड करें, फिर सांस छोड़ते हुए वापस सेम पोजीशन में आ जाएं। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने के लिए आपको अपने हाथ के रिंग फिंगर और थंब को यूज करना है। अपने थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद करें और फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को अंदर की ओर खींचें। कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें और फिर राइट साइड से सांस को छोड़ें। ऐसे ही रिपीट करें दोनों ओर से कुछ टाइम के लिए करें। धीरे धीरे आपका अभ्यास बढ़ता चला जाएगा। ऐसा ही सभी योग आसनों के लिए है। तो इन योग आसनों से और अनुलोम विलोम प्राणायाम से आप अपनी बॉडी के एंडोटॉक्सिन्स को ख़त्म कर सकते हैं, जो कि सबसे मेन कारण है हमारी इम्यूनिटी को ख़राब करने के पीछे। तो हम जब फ्री रेडिकल्स और एंडोटॉक्सिन्स या फिर आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग अगर हम आम को बॉडी में से ख़त्म करेंगे तो इसमें हमारी इम्यूनिटी जो है वो मॉड्यूलेट होने में मदद होगी। और इम्यूनो मॉड्यूलेशन ही जो है वो ITP का सबसे मेन ट्रीटमेंट है। तो आप रेगुलर बेसिस पे अगर आप ITP के पेशेंट्स हैं, ग्रीन जूस रेड जूस का इनटेक करें और साथ ही साथ इन आसनों और प्राणायाम का अभ्यास करें, ताकि आपकी जो कंडीशन है वो अलॉन्ग विद मेडिकेशंस और ये सब चीज़ें जल्दी से जल्दी ठीक हो पाए। और अगर आपकी कंडीशन जो है वो ज़्यादा क्रॉनिक है या फिर इस तरीके की है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, एक तो आप ITP केयर पैक है प्लैनेट आयुर्वेदा का, बेसिक पैक भी है, आप बेसिक पैक से शुरू कर सकते हैं अगर आपकी कंडीशन ज़्यादा क्रॉनिक नहीं है। अगर क्रॉनिक कंडीशन है तो एक हमारे पास ITP एडल्ट पैक भी आता है और चिल्ड्रंस के लिए स्पेशली चिल्ड्रन पैक भी है हमारे पास। और अगर आपकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक हो चुकी है, आप काफ़ी सारी एलोपैथिक मेडिकेशंस खा चुके हैं, स्टीरॉयड्स और इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले चुके हैं, IVIG ले चुके हैं, तो बेटर रहेगा कि आप उसके लिए जो है वो ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन बुक करें और यहाँ के एक्सपर्ट से बात करें। आप OPD में भी विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। अब घर बैठे ऑनलाइन कंसल्टेशंस करें टॉप MD आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट के साथ। इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन आयुर्वेदिक क्लिनिक और पाएं सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन की होम डिलीवरी वर्ल्ड वाइड। प्रॉब्लम कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com।